एक्सरसाइज 5.4 चैप्टर 5 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट ये है 1989। तो इसमें लिखा हुआ है फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। फिर हम एक बार आपको वो करा रहे हैं, बोल रहे हैं आपको कि क्या करना है। फाइंड द लीस्ट नंबर मतलब इसमें से एक ऐसा लीस्ट नंबर निकालो जिसमें से सबट्रैक्ट करें, तो सबट्रैक्ट करने से वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए तो उसका क्या होगा, तो उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जैसे आप ये देखिए 2 का स्क्वायर 4 तो 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 3 का स्क्वायर 9 तो 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 4 का स्क्वायर 16 तो 16 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। दिख रहा है क्लियर? यस। अब स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट ये तो स्क्वायर आ गया, स्क्वायर रूट आपसे पूछा गया 4 का स्क्वायर रूट 2 बेस हो जाएगा, बेस 9 का स्क्वायर रूट 3 16 का स्क्वायर रूट 4 समझ में आ रहा है ना। अब जैसे हमने ये ले लिया 5 स्क्वायर, अगर आपसे पूछा जाए 5 का स्क्वायर क्या है 25 और 25 का स्क्वायर रूट 5 ये बेस आ जाएगा, समझ में आया। अब ये 4 है 9 है 16 है 25 है दीज आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर, समझ में आया। परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो नंबर होंगे जिनका स्क्वायर रूट निकल आएगा परफेक्ट। अब ये हम यहाँ देखिए सॉल्यूशन देखते हैं 1989 तो हमने क्या कर दिया, हमने पेयर बना लिया 2 का पेयर राइट में, राइट से शुरू किया 2 का पेयर एक 89 बन गया एक 19 बन गया, लिखो मत पहले समझ लो। तो हम अब क्या करेंगे, अब इसे डिवीजन मेथड से करेंगे। तो अगर हम बन लेते हैं 1 1 जा 1 छोटा नंबर है, 2 2 जा 4 छोटा है, जो नंबर यहाँ लेंगे वही वहां पर लेंगे, 3 3 जा 9 अभी भी कम है, 4 4 जा 16 अभी भी कम है, 5 5 जा 25 आगे निकल गए, तो पीछे आओ तो हम क्या लेंगे 4 4 जा 16 लेंगे। सर एक सेकंड मैंने उठ कर देखिए यहाँ से 4 4 जा 16 4 4 जा 16 ले लिया, अब माइनस करेंगे तो 9 में से 6 किया 3 1 में से बन गया 0 समझ में आ गया। यस सर लिखना बंद करो। अब हम पूरा पेयर लेंगे 89, अब इसी नंबर को हम प्लस कर देंगे, यहाँ 4 है तो 4 को प्लस करो, 3 है तो 3 को प्लस करो, और 4 है तो 4 को प्लस कर लोगे मतलब इसका डबल हो जाएगा, मतलब प्लस हो जाएगा, तो ये 8 आ गया, 8 आ गया। अब यहाँ बॉक्स लो दोनों बॉक्स सेम है, इसका मतलब क्या है कि दोनों डिजिट सेम आएंगे। अब हमने यहाँ पर 1 लेके देखा 81 और यहाँ 1 मल्टीप्लाई किया 81 बहुत कम है, फिर हमने 2 को ट्राई किया 82, फिर यहाँ पर 2 लिया 2 से मल्टीप्लाई किया 2 2 जा 4 8 2 जा 16 164 अभी भी कम है, हमने फिर 3 से ट्राई किया 3 3 जा 9 8 3 जा 24 249 अभी भी कम है। अब हमने 4 लेके देखा यहाँ पर 84 और 4 4 4 जा 16 8 2 जा 34 और नहीं 8 4 जा 32 और 1 33 336 अभी भी कम है, अब 4 पे भी कम है, तो हमने 5 लेके देखा 85 और 5 5 5 जा 25 8 5 जा 40 और 2 4 425 वो बहुत आगे निकल गए, किस पे आगे निकल गए 5 का डिजिट लेने, तो हमें कहाँ रुकना है 4 पर रुकना है, तो यहाँ पर भी 4 तो 84 ये 2 डिजिट नंबर बन गया। लिखना बंद कर समझ लीजिए, सुनते नहीं हो 84 को 4 से अभी हमने मल्टीप्लाई किया था कितना आया था 336 इसे माइनस कर देंगे तो 9 में से 6 किया 3 8 में से 3 किया 5 और 3 में से 3 किया 0 अब हमारा रिमाइंडर बचा 5 जब तक रिमाइंडर बचेगा तब तक वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा तो उसको हटा दो। तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन्होंने क्या कहा है देखो यहाँ पर इन्होंने कहा है फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी सबट्रैक्टेड
फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कैसा बन जाए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर अभी हमने समझाया था, अब रिमाइंडर क्या बचा, 53। हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसमें, यहाँ पर स्मॉलेस्ट, नो टॉकिंग, स्मॉलेस्ट नंबर विल बी 53। कौन सा होगा 53। कर देंगे 1989 में से किसको सबट्रैक्ट कर देंगे 53 को, 9 में से 3, आप बोलोगे नहीं, 9 में से 3 गया 6, 8 में से 5 गया 3, क्या आएगा 3, तो 1936। तो कोई गलती तो नहीं है आपको, कोई मिस्टेक हो तो देख लेना। अब इसने कहा आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट, अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया, क्या बन गया परफेक्ट स्क्वायर। तो इसी जरा हम यहाँ पर लिख दें एक बार, क्या लिख दें परफेक्ट स्क्वायर, ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये क्या है बोलो, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब उन्होंने कहा आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो 1989 हमने यहां से पेयर बनाना है, तो वही प्रोसेस अभी चली थी ना, वही है सेम टू सेम, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, यहाँ 4 लिया तो यहाँ 4 लिया, अभी आपको समझाया था, समझाया था कि नहीं, 4 4 जा 16, वही प्रोसेस है, 5 नहीं लेंगे तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, 9 में से 6 गया 3, अब हम पूरा 89 लेंगे, फिर हमें क्या करना है बोलो, इस 4 को इस 4 में ऐड करना है, जैसे +4 +4 ऐड किया था ना, जो टेबल आप यूज कर रहे हो, जो डिजिट आप यूज कर रहे हो, जो डिजिट यहाँ पर लिया वही डिजिट यहाँ पर लेंगे, जो टेबल यहाँ पर लिया वो यहाँ पर, 4 4 जा 16। अब इस नंबर को ओरिजिनल नंबर को नहीं देंगे, क्योंकि हमने क्या कर दिया, हमने माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद जो न्यू नंबर है ना वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, हमने यहाँ गलत ले लिया तो यहाँ पर कंसंट्रेशन बिगड़ा, इसलिए हम कौन सा नंबर लेंगे 1936 इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसको लेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पेयर बनाएंगे इधर से 36, इधर से बनाएंगे 9, वही प्रोसीजर, उसी को उसी प्रोसीजर को रिपीट कर दो, 4 4 जा 16, माइनस 9 में से 6 गया 3, ये बन में से बन गया 0, 36 प्लस 4, 4 प्लस 4 कितना आएगा 8, अब यहाँ 6 कब आएगा, 6 आएगा 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 या 6 6 जा 36, हम पहले 4 लेके देखें, 4 तो हम 4 लेके देख रहे हैं, 84 और 4 का मल्टीप्लाई 4 4 जा 16, 8 4 जा 32 और 1 33। देखो यहाँ पर आया था कि नहीं आया था, हमने कहीं किया था, कहाँ किया था, हाँ सर लास्ट ये है, आया था ना, तो वही आ गया, यहाँ कौन सा डिजिट लेंगे इस बॉक्स में, जो इस बॉक्स में लेंगे वही इस बॉक्स में लेंगे, तो 84 का 4 से मल्टीप्लीकेशन कितना है 336, माइनस। तो आप इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट लिख देंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा आया था 1936, इसका स्क्वायर रूट कितना है 44। एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखना, 1989 एक आपका नंबर है, इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने इसको स्क्वायर रूट निकाला, तो रिमाइंडर कितना आया 53 आया ना, उस 53 को ओरिजिनल नंबर से सबट्रैक्ट किया, वो 53 आपका एक आंसर हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर विल बी 53, ये स्मॉलेस्ट नंबर है, उसको माइनस किया, माइनस करने से 1936 आया, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका हमने स्क्वायर रूट निकाला और ये इसका स्क्वायर रूट आया 44, दो आंसर हो गए ना, नोट इट है दिया स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5th ऑफ एक्सरसाइज 5.4, पेज नंबर 69, पेज नंबर 69 आप पढ़िए, पेज को खोलिए, लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर
सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर. नंबर दिया है हमने फोर्थ पार्ट ले लिया 1825. अब इसमें निकालना है व्हाट नंबर शुड बी एडेड. इसमें सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, ये दूसरा केस है. एड क्या ऐड करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. तो सबसे पहले अभी आप बोलेंगे नहीं, हमने पेयर बना लिया, पेयर बना लिया यहाँ पर. यहां से शुरू कर रहे हैं हम, यहां से शुरू कर रहे हैं. दोबारा लिख लो 1825. हमने इसका पेयर बनाया, कहां से बनाया, राइट से. 25 का पेयर बन गया, 18 का पेयर बन गया. यहाँ अब हम डिजिट लेंगे, टेबल लेंगे. 2 2 4 लेस है, 3 3 9 लेस है, 4 4 16 लेस है, 5 5 25 बड़ा हो गया. बोलो नहीं, तो 4 4 16 हमने यहाँ एक डिजिट लिया, वही नंबर्स लिया सेल्फ इट सेल्फ. तो 4 4 का मल्टीप्लाई 16, इसके नीचे रख दो ये 4 ये 4, यहाँ 5 लेते तो 5 ले लेते. अब माइनस 8 में से 6 गया 2, 1 में से बन गया 0. अब पूरा का पूरा हम ये ब्रिंक डाउन करेंगे. तो अगर हम यहाँ पर इस नंबर को, ये जो टेबल लिया है उसी को रिपीट कर देते हैं. 4 + 4 कितना हो गया, 8. अब यहाँ पर एक नंबर लो, एक नंबर यहाँ पर लो. ऐसा नंबर लेना जो इससे ज्यादा हो. एड वाले केस में क्या करना है आप, एड वाले केस में यहाँ ऐसा नंबर लेना जो 225 रिमाइंडर है ना, इससे ज्यादा हो जाए. इससे एक कदम एक स्टेप ज्यादा, जैसे 4 से एक स्टेप ज्यादा कौन है, 5, ऐसे करके. तो अगर हम यहाँ पर, अगर यहाँ पर हम 2 लेते हैं, 8 यहाँ 2 लेते हैं, हिट एंड ट्रायल से ट्राई कर रहे हैं. तो 2 लेंगे तो कितना आएगा, 2 2 4 8 2 164. हम फिर 3 से ट्राई करेंगे, 3 3 9 8 3 24 249. ये ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ. तो हम इसको न लेते हुए इसको लेंगे. ये एक आप है ना अपना, एक अपना हुसूल बना लो कि जब भी व्हाट नंबर शुड बी एडेड ऐसे पूछा जाए तो यहाँ जो रिमाइंडर है उससे ज्यादा ले लो. तो हम क्या ले लेंगे यहाँ से, टू फोन बोल रहा है, 3 लेंगे और यहाँ पर भी 3 लेंगे. मल्टीप्लाई करके आ गया 249. ले लिया. अब हमें नंबर चाहिए, तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर दो. 225 में से माइनस मत करो, 249 में से माइनस कर दो. तो 9 में से 5 गया 4, और 4 में से 2 गया 2, 2 में से 2 गया 0. सिस्टम समझ में आ रहा है, सिस्टम क्या है. अगर ये पूछा जाए व्हाट नंबर शुड बी एडेड, तो उसमें क्या करोगे, जो रिमाइंडर है उससे ज्यादा लोगे. तो 2 पे कम था, 3 पे ज्यादा है. तो अब हम क्या करेंगे, बोलो, वी विल एड, वी विल एड 24 टू किस में, 1825 में 24 ऐड करोगे तो 549 1849 क्या आया, 1 8. अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया, ये जा परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया. अब इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का क्या निकाल देंगे, स्क्वायर रूट. हमें पता चल गया बड़ा क्या है, 249, उसमें से 225 पहले माइनस करो, 24 आया, 24 ऐड करेंगे 1225 में, 1225 में ऐड करेंगे, ऐड कर दिया. अब इसका बोल लीजिए स्क्वायर रूट, ये तो वही चलेगा ना. पहले कौन सा नंबर आएगा, 4 4 16, वही प्रोसेस है ना. कौन सा नंबर लेंगे, 4 4 16. 5 लेंगे तो ज्यादा आ जाएगा, 5 5 25. अभी समझाया था, 8 में से 6 गया, 8 में से 6 गया 2 माइनस. अब पूरा पेयर ब्रिंग डाउन करेंगे, तो ब्रिंग डाउन करेंगे पूरा पेयर तो 49 आएगा. 4 में 4 ऐड करेंगे तो 8 आ गया. अब यहाँ ऐसा नंबर लो जिसका मल्टीप्लाई इसके इक्वल हो, 3 से आ जाएगा. 3 से चेक कर लो, 3 लेके देखो, अभी 83 को 3 से लिया था कि नहीं, 83 को 3 से किया था तो 49 आया था. तो
तो हम थ्री लेके देखेंगे, यहाँ कौन सा नंबर लेंगे बोलो, थ्री लेके ट्राई कर, थ्री और थ्री, थ्री और थ्री का मल्टीप्लाई 83 का, 83 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 249, रिमाइंडर करेंगे 0 0 0, रिमाइंडर 0, फिर परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या आया था आपका 1849, और इसका 1849 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 43। एक बार फिर हम आपको रिवाइज करा रहे हैं, ध्यान से देखिए सुनिए, जब हमारी अंगुली है वहां पर आपकी निगाह होनी चाहिए। इसमें पूछा था व्हाट नंबर शुड बी एडेड, 1825, तो 1825 लिया, यहां हमने 4 लिया, वही नंबर सेम लेंगे, 4 4 16, माइनस किया 18 में से 16 2 आया, फिर 25 हमने ब्रेक डाउन किया, यहां 4 है तो 4 को उसमें ऐड कर दिया 8, अगर 3 होता तो 3 को ऐड करते, फिर हमने हिट एंड ट्रायल से पता लगाया कि 83 लेने, क्या ले लें 83 ले लें, यहां पर 3। आप कहेंगे कि ज्यादा क्यों लिया इससे, क्योंकि इस वाले केसेस में जब एड हो, व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट शुड बी एडेड, ऐसा लिखा हो ना, इसमें क्या लिखा है लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड, एडेड तो इसमें जो रिमाइंडर है ना उससे ज्यादा आए, ऐसा टेबल लो, तो 83 लिया, 83 का 3 से मल्टीप्लाई 249, 249 में से 225 सबट्रैक्ट करो तो क्या आया 24, तो यहां बी विल ऐड, या बी विल एडेड, बी विल ऐड, क्या ऐड करेंगे 24 किसमें, ओरिजिनल नंबर, तो 1825 प्लस 224 में 24 ऐड किया तो क्या आया 1849, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे, उसमें लिखा है आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो 1849 हमने 4 का टेबल लिया, 4 4 16, 18 में से 16 लिया 2, ब्रेक डाउन किया 49 को, यहाँ 4 है तो 4 को ऐड कर दो, 3 है तो 3 को, 4 प्लस 4 8, अब यहाँ एक ऐसा डिजिट लो, एक ऐसा डिजिट लो, उनका मल्टीप्लाई इसके इक्वल हो, तो हमने हिट एंड ट्रायल से पहले भी हमने देखा 83 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 249, सब्ट्रैक्ट किया रिमाइंडर 0, जब भी रिमाइंडर 0 आता है तो इसका मतलब नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, फिर आपका ये 43 आंसर आ गया।